19 मार्च को महाराष्ट्र के बीड स्थित श्री नंदीश्वर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पांचालेश्वर में वार्षिक यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मुनिश्री मोक्ष सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। आचार्य श्री गुप्ति नंदी जी महाराज एवं आचार्य श्री मयंक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि श्री मोक्ष सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में वार्षिक यात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ। यह महोत्सव अष्टानिका महापर्व के अवसर पर 19 मार्च को महाराष्ट्र के बीड स्थित श्री नंदीश्वर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पांचालेश्वर में सानंद सम्पन्न किया गया। भक्तों ने सर्वप्रथम विधान आचार्य जी के कुशल निर्देशन में मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी के समक्ष मंडल पर अर्घ अर्पित कर नंदीश्वर विधान की क्रियाएं संपन्न की। सौभाग्यशाली भक्तों ने ध्वजारोहण कर दीप प्रज्वलन किया, साथ ही आयोजक समिति ने सभी अतिथियों का प्रतीक चिन्ह देकर एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इसके बाद भक्तों ने अतिशयकारी पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा का स्वर्ण कलशों से अभिषेक किया। पद्म प्रभु भगवान की, नंदीश्वर भगवान की। महोत्सव में सम्मिलित होने आए भक्तों ने अपने भाव व्यक्त किए। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पांचालेश्वर, ये पांचालेश्वर जो क्षेत्र है ये क्षेत्र महाभारत कालीन का है। यहाँ पे पांचाल नरेश का राज्य था। पांचाल नरेश ने यहाँ पे युद्ध जीतने के बाद यहाँ पे ये नंदीश्वर का मंदिर का जिनालय यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा निर्माण किया था। आज इसे चतुर्थ काल में हुआ ऐसे हम लोग मानते हैं। यहाँ पे बहुत सा अतिशय यहाँ पे हुआ है और होते रहा है। सभी धर्म प्रेमी के सहकार्य से ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। सभी धर्म प्रेमी को हम हरदम यही आह्वान करते हैं कि ये नंदीश्वर का जो तीर्थ क्षेत्र है ये पूरे भारत में एक ही अतिशय क्षेत्र है। इस क्षेत्र पे आके धर्म प्रभाव न करना और जितना धर्म लाभ ले सकते हो उतना धर्म लाभ हमें आपने सभी ने लेना है। ये ऐसी ये धरा है, इसका पावन कण का, इसका जो जमीन का कण कण पावन है। यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगो वहाँ पे पूरी हो जाती है। ये जो क्षेत्र है अतिशय क्षेत्र एकदम छोटा सा था, पर हमने सोचा भी नहीं था ये कितना बड़ा बन जाएगा। इतना क्षेत्र बड़ा बन जाएगा, भगवान की कृपा है। सब लोग पहले से तो कोई आते नहीं है जल्दी जल्दी, फिर बाद में इतना मेला लगता है यहाँ की पूछो मत। पहले से ऐसा लगता है कोई आदमी आएंगे नहीं आएंगे, पर भगवान बोलता है तू चिंता मत कर, यहाँ पे बहुत अच्छा सा वो कार्यक्रम होने वाला है। ये 3 दिन की जो विधान हुआ हमारा पंचकल्याणक, तो ये भी बहुत धूमधाम से मनाया गया। सब लोग आए, सब लोगों ने बहुत हमारे को लिए सहकार्य किया है। यहाँ पे ये कोषाध्यक्ष अध्यक्ष साहब तन मन से जुड़े रहते हैं यहाँ पे। और महाराष्ट्र के बीड तालुके में गेवराई तालुके में पंचालेश्वर अतिशय क्षेत्र है, बहुत बढ़िया। और यहाँ 3 दिन का पंचकल्याणिक था, इतना सुंदर के शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। और सभी ने बहुत तरीके से साथ दी और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। अतिशय क्षेत्र पांचालेश्वर में आयोजित हुए महोत्सव में समग्र जैन समाज ने बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लिया। जैन फोकस के लिए बीड महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।